हम आए हैं अपने कमरे में। अभी नहीं आए थे क्योंकि मेरे कमरे में लाइट नहीं थी, इसलिए इससे पहले नहीं आई। और अभी एक ही तख्त बिछा हुआ, ये देखिए अभी एक ही तख्त बिछा हुआ है, हमें दूसरा भी बिछाना है लेटने के लिए क्योंकि पतला है और इतने में सभी लोग नहीं हो पाएंगे, तो इसीलिए और बक्से पे ये देखिए सामान अभी हमारा बैग वैग रखा हुआ है। तो गाइस उस टाइम मैं आप लोगों से बात नहीं कर पाई, वीडियो मैंने कैमरा नीचे कर दिया था, वीडियो बंद कर दी थी क्योंकि कोई आ गया था, फिर अच्छा नहीं लगता कि मैं बात करती रहूं। तो फिर यहां पर मैंने कहा चलो अब अपना बिस्तर सेट कर लेती हूं, और जो ये पतला वाला तख्त पीछे था उसे मैंने आगे कर दिया है क्योंकि ये टूटा हुआ है और इस पर ये हो जाएंगे टूटे वाले पे, टूटे तख्त पे हस्बैंड जी को लिटाऊंगी और उधर मैं मन्नी बाबू हम तीनों लोगों को जाएंगे इसीलिए, और साइड में भी रहेंगे और आना जाना इनका ये जब भी मतलब हम सो जाएंगे तो डिस्टर्ब भी नहीं होगा ना रात में, चाहे ये जितने बजे आएँ क्योंकि पंडाल है वहाँ पर गाना डांस प्रोग्राम होता है तो एक बार आ एक बज जाते हैं। और यहाँ पर रिंजी बोल रही थी चाची साड़ी पहन के आप कर नहीं पा रहे हो, हमने कहा हाँ अगर आप सूट पहन के रेगुलर काम करते हो ना तो आप साड़ी पहनते हो ना तो आपसे कुछ नहीं हो पाता है, तो मेरी सिचुएशन यही है कि अगर आप साड़ी पहन के मुझसे कहोगे कि मैं कुछ कर लूँ तो मेरे से नहीं हो पाता है। और इसके बाद यहाँ पर ये देखिए मैं बिस्तर लगा रही थी, ये आ गए अचानक से, बोले कि क्या कर रही हूँ, मैंने कहा बिस्तर लगा रही हूँ, कुछ बात हम लोग कर रहे थे, फिर ये अपना चले गए, तो मैंने कहा चलो चादर भी लगा देते हैं लगे हाथ। और यहाँ पर आ गई मेरी देवरानी जी, वो भी कुछ बात कर रही थी, कुछ बोल रही थी, पूछ रही थी क्या था, मुझे याद नहीं है क्योंकि जिस टाइम की बातें होती ना कभी कभी इंसान के ध्यान से उतर जाता है। और इधर वाला जो गद्दा है ना वो पतला था, तो मैंने कहा इस पर थोड़ा सा एक जो कथोला कथरी जो भी बोलते हो आप लोग जो हाथ से बनाती हैं मम्मी लोग वो था, मैंने कहा इसको भी डाल देती हूँ ना तो ये थोड़ा सा मोटा हो जाएगा और सॉफ्ट रहेगा, लेटने में गड़ेगा भी नहीं ना, तो इसी वजह से। तो बस इस तरीके से मैं चादर लगा रही हूँ, ये देखिए साड़ी पहन लो ना तो कुछ, अगर आप साड़ी पहने रहते हो हमेशा काम करते हो तो आप लोगों को इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, आप लोगों को यार मुझको, लेकिन अगर आप कभी कभार साड़ी पहन के काम करते हो ना तो फिर नहीं बन पाता है। तो बस कभी इधर कभी उधर चढ़ रही थी और किसी तरीके से बिछा रही थी। और बस तब तक आ जाती है हमारी नंद जी, अब देख रहे हो कैसे कैसे चल रही हूँ मैं, और कहते हैं ना नंद नंदी होती हैं भाभियों की, दुख तकलीफ़ होती है जो कुछ भी होता है ना बिना बोले समझ जाती हैं। तो बस ये देखिए जैसे मैं इधर बिछा रही थी और वो तुरंत उधर ठीक करने लगी, ये चीज़ें होनी चाहिए कि अगर बिना कहे किसी के इंसान अगर वो चीज़ें कर देता है ना तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर अब हम दोनों बैठ कर थोड़ी सी बात करने लगे थे इसलिए हाँ यहाँ पर कैमरा ऑफ कर दिए हैं, और मिलेंगे आप लोगों से अभी थोड़ी देर में, यहाँ पर हमारी बातचीत होने लगी थी। ठीक है सो गाइस अभी अभी जस्ट मैंने ब्लॉग का एंड करा और नेक्स्ट ब्लॉग हमारा स्टार्ट हो गया है और बाबू और अंजू रेडी हो रहे हैं, वो देखिए तैयार हो रहे हैं, कहाँ चलना है आरती में जाना है हम लोगों को, देवरानी जिठानी देवरानी जिठानी बड़ी जिठानी नहीं देवरानी जिठानी बड़ी जिठानी मम्मी और नंद, मतलब तीन देवरानी जिठानी सासू माँ और नंद सभी लोग जाएंगे है ना। हाँ सबसे बड़ी जिठानी, अच्छा बिटिया रानी सबसे बड़ी जिठानी है, सुन लो अभी से जिठानी, अब बाबू को देखो बैठी है मेकअप, ये सबसे बड़ी मेकअप वाली जिठानी है। हाँ तो बस अभी हम जा रहे हैं आरती में, और ये कौन है बाबू, ये आपकी जिठानी क्लास की है। हाँ हमारी जिठानी की लड़की है, मेरी मम्मी जिठानी तो जिठानी हुई, अरे ये वहां से गर्म गाड़ी लगे नहीं यार तुमको उस दिन सब अभी देखे हैं, सब बोल रहे हैं आपकी देवरानी बहुत सुंदर है, कमेंट आया है, कमेंट आया सबका, बोल रहे बाबू भी बहुत सुंदर है देवरानी जी, बाबू भी सुंदर नहीं आया है ना कृष्ण। तो बस देख रहे हो देवरानी जी बोल रही है हम अच्छे नहीं लग रहे, तो हम बता रहे कि आप लोगों ने बोला नहीं बहुत सुंदर हो आप, बहुत सुंदर हो आप, तो चलिए अभी तो आरती में जाना नहीं थोड़ी देर में जाना है, ये रेडी हो रही है और मैं तो सुबह ही ऐसी आई थी तो वैसे ही जाऊंगी, थोड़ा सा मुंह धुल लूंगी बस, और मिलती हूँ, ये सोच रही होगी अकेले में क्या बड़बड़ा रही ना तो चलिए थोड़ी देर में मिलते हैं आप लोगों से। ठीक है अब हम लोग जा रहे हैं हवन करने के लिए, और इस टाइम रात के बज चुके हैं 9 और वहाँ पे हमें जाना है हवन करने के लिए, बाबू सो गई है, सभी लोग जितने होते हैं गांव के वो सभी हवन करते हैं, तो मैं जा रही हूँ जैसी थी वैसी जा रही हूँ, और
रेडी क्या होना, क्योंकि घूंघट में तो यार कुछ दिखने से रहा नहीं है ना। तो और बाबू सो गए, तो बाबू के पास किसी ना किसी को होने चाहिए। तो यहाँ पर इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पर लाइट जल रही है, अंधेरा है, तो फिर वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं आएगी, फिर आप लोगों को भी प्रॉब्लम होगी ना। तो चलिए चलते हैं हवन में, फिर मिलते हैं आकर थोड़ी देर में, ठीक है। तो गाइस ये देखिए हम आ गए हैं यहाँ पर, और ये मन्नी है, वर्षा है, सब लोग हवन कर रहे हैं, और ये जो बगल में बैठे वो है प्रशांत। तो ये देखिए जितने गांव के हैं ना, बच्चे बुज़ुर्ग, इस दिन सभी मतलब हवन करते हैं, बड़ों से लेकर छोटों से लेकर। आप सभी को तो पता ही है कि हवन जो होता है 5-5 बार होता है। तो यहाँ पर मम्मी, देवरानी, कंचन, मतलब सभी लोग आई हैं। ये देखिए सब लोग बैठे हुए हैं, और ये मैं बैठी हुई थी कंचन के बगल में ब्लू साड़ी में, है ना। हाँ, कंचन से तो आप लोग पहचाने गए होंगे, मतलब इसी में सब लोग हैं। सर पे पल्लो है, घूंघट है ना, तो इस वजह से आप लोग समझ नहीं पाओगे, इसलिए मैं वॉइस ओवर करके बता दे रही हूँ। और रात हो चुकी है, हवन का टाइम है, हवन के बाद होगी आरती, इसके तुरंत बाद ही होगी, क्योंकि इसके बाद होता है यहाँ पर प्रोग्राम काफ़ी अच्छा, मतलब जो गांव के होते हैं वो सभी, मतलब जो दशहरे का प्रोग्राम होता है ना, डांस वगैरह होता है, कृष्ण जी जैसे जागरण होता है ना, तो बस वही कर लेती हैं यहाँ के गांव के खुद के ही बच्चे, छोटे से बड़े से ऐसी। और इस बार हो सकता है आज के दिन, अभी क्लियर नहीं पता है कि बोल रहे थे कि कोई बाहर से आएगा डांस करने के लिए, अभी मुझे उतना नहीं पता है, जितना पता है जो भी पता आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, बता रही हूँ। तो बस इसी तरीके से पूरा गांव हवन करता है, और अच्छा लगता है ना ये सारी चीज़ें जब आप करती हो ना, तो मन को अलग सा कहते हैं रिलैक्स फील होता है, संतुष्टि होती है। और आपके भैया जिस दिन से आए हैं ना, उस दिन से तो उनकी नींद ही नहीं पूरी हो रही है, मतलब जब देखो तब जाके सो जा रहे हैं, और बोल रहे कितनी नींद आ रही है, कितना खा रहा हूँ, कितना सो रहा हूँ। मैंने कहा कि जब इंसान काम की जो टेंशन होती है ना, उन सब से दूर कहीं जाता है और ऐसी जगह पे जाता है ना, तो उसे अलग सी एकदम कहते हैं ना रिलैक्स वाली फीलिंग आती है। तो सेम सिचुएशन उनकी है कि इस समय उनको मन को संतुष्टि भी मिली है, और काफ़ी रिलैक्स भी फील कर रहे हैं, और ऐसी जगह में तो फिर मन को संतुष्टि तो मिलनी ही मिलनी है। अब आप थोड़ी सी यहाँ पे वॉइस रिकॉर्डिंग ओरिजिनल सुनिए, अब मैं यहाँ पे वॉइस ओवर नहीं करूँगी क्योंकि बहुत बता दिया मैंने आप लोगों को, आप लोग खुद भी थोड़ा सा सुन लो, है ना। अरे राजनारायण चाचा साल भर से इंतजार कर रहे हैं इस जोड़े का, इस जोड़े का राजनारायण चाचा बहुत दिन से इंतजार कर रहे हैं, आ जाइए बुलाओ। और कोई जोड़ा है भाई? मेरी बुआ जी आप भी मौके का अवसर ले लीजिए, मौके का अवसर ले लीजिए, नहीं बाद में नहीं मिलेगा। तो गाइस उस दिन की ये क्लिप रह गई थी, जब मैंने आप लोगों को बोला था ना कि कन्या भोग होता है, तो यहाँ पर कन्याएं खा चुकी हैं, और जितने भी यहाँ के सदस्य हैं कम्युनिटी के, जो मतलब यहाँ पर अपना साथ निभाते हैं, देते हैं अपना, मतलब सहयोग देते हैं, सब कुछ करते हैं, उसके बाद ये लोग भी खाना खा रहे हैं। तो मैंने कहा क्यों नहीं, चलो आप लोगों को ये क्लिप दिखा देती हूँ, मुझे मिली तो मैंने कहा चलो आप लोग भी देख लो। और हाँ, जैसा कि आप सभी को पता है कि हवन हो चुका है, और इसके बाद होता है धमाकेदार डांस, ये देखिए इस तरीके से। और जैसे हर साल भीड़ होती थी ना, इस साल वैसे नहीं हो रही है, तो फिर भी थोड़ी बहुत जितनी है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, दिखा रही हूँ। और ये जो डांस कर रहे हैं ना, गाँव के ही लड़के होते हैं, जो राधा कृष्णा शिव जी ये सब बनते हैं। और यहाँ पर देखिए सारी लेडीज़ बैठी हुई हैं, और एक हैं जो प्रसाद दे रही हैं, गांव की हैं नंदी लगे, तो वो प्रसाद बांट रही हैं, ये देखिए सबको। तो लाई जो भी मतलब चढ़ता है माता रानी को ना, वो फिर प्रसाद दिया जाता है। तो यहाँ पर ये देखिए कुछ इस तरीके से सभी लोग भरे हैं, बैठे हुए हैं, और सभी प्रोग्राम देख रहे हैं, अच्छा लगता है। और कोई भी बाहरी नहीं है, जितने हैं सब हमारे गाँव के ही हैं, तो इसलिए कोई उतनी टेंशन वाली बात नहीं है, है ना। तो बस इस तरीके से हो रही है, और आप प्रोग्राम कैसा लग रहा बताइएगा ज़रूर। तो चलिए आप लोगों से मिलूंगी थोड़ी देर में, ठीक है। तो गाइस हवन करके हम आ चुके हैं, एक मिनट यहाँ पर ऐसा है, हाँ ठीक है, गाँव में यही दिक्कत होती है। हवन करके हम आ गए हैं, और इनके पापा को मैंने भेज दिया, मैंने कहा जाओ तुम भी कराओ,
क्योंकि फिर हवन हो जाएगा, फिर प्रोग्राम होगा, डांस वगैरह होगा, तो वो सारी चीज़ें होंगी, इसलिए मैंने कहा कि चलते हैं, जिनको भेज देती हूँ, वरना फिर ये तो रह जाएंगे। और बस चलते हैं अंदर, बाबू के पास पंखा चल रहा तो बहुत तेज़ सी आवाज़ आती है, इसलिए वहाँ पर तो फर्राटा होता है ना, वो कितनी तेज़ आवाज़ करता है ना, इसी वजह से फिर वॉइस में प्रॉब्लम होती, और आप लोगों को साउंड की आवाज़ सुनाई दे रही होगी ना, तो वहाँ पर प्रोग्राम अभी चल रहा है। तो बस चलिए चलते हैं बाबू के पास, बस इस ब्लॉग का एंड कर देते हैं और मिलते हैं कल अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है, बाय बाय, गुड नाइट।